का नजराना पेश किया, चार मिसरे में पेश कर रहा हूं कि चारे यार नबी दे सोने। माशाल्लाह, इस साइड से सुभान अल्लाह की सलाह ज्यादा बुलंद आ रही है, मिलके कहे सुभान अल्लाह। चारे यार नबी दे सोने, कोई दिसे न चारा का सिला है, सिला है, सिला है, सिला है।
بکروں مروں سے غلامی کی سند حشر تک دیکھ گئے قدموں میں آرام کے ساتھ گوئیں سے کہ کاش محشر میں ابو بکر مجھے پیش کرے کاش محشر میں ابو بکر مجھے پیش کرے کیسے کہ میرے سرکار یہ نعتوں کا سنانے والا صلی اللہ علیہ کریا پسینہ رشک گلاب تیرا
के सदके परंग खुशबू दिलों में उतरा है कितना दिल कश खिताब तेरा जाऊंगा इस बहाने से मौत पर में शहीदों का Yeah.
खालिद हसनैन खालिद खालिद हसनैन खालिद कैसा ना खान था वो है कि इतने दिन गुजर गए उनके जाने के। खैर मैं आपको दुखी नहीं करना चाहता। रात में लाहौर था और गालिबन सुबह 4 बजे लाहौर से मैं वापस घर के लिए निकला तो रात नूर का समा महफिल भी थी खालिद भाई की। हर साल इस महफिल में हाजिरी हुआ करती थी वो हाजी नवाज गोंदल, उन्होंने भी ताल्लुक का मैं समझता हूँ कि हक निभाया। तो दौरान सफर वापसी पे जब मैं निकला तो अभी उस वक्त मेरा ख्याल महफिल चल रही थी, आखिरी नाथवा पढ़ रहे थे। मैंने रिमाइंड करके जब मैंने देखा, क्योंकि मुझे मतलब था कि मैंने कहा हाजी साहब जरूर खालिद भाई की याद में कुछ कहेंगे या उनकी रिकॉर्डिंग चलाएंगे। तो आप यकीन करें जब मैं इब्तदा से देखना शुरू किया, जब उन्होंने वाकईतन फिर अपने ताल्लुक का हक निभाया, खालिद भाई की जब रिकॉर्डिंग चलाई, तो मेरा पूरा सफर रोते हुए पूरी महफिल एक तरफ और खालिद भाई की मैं समझता हूँ कि रिकॉर्डिंग के दौरान जो हाजिरी थी जो कैफियत थी वो है। अल्लाह ताला हमें भी ऐसे इखलास के साथ पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाए। आरिफाना कलाम है दिलो निगाह की दुनिया पढ़ते ही कैसी रोशनी हुई है। मैं बस यूं ही तो नहीं आ गया हूँ महफिल में, कहीं से इज़्ज़त मिला शेर खालिद भाई के लिए। ये शेर खालिद भाई के लिए। ये सर उठा जो मैं जा रहा हूँ जानी पे कुल, ये सर उठाए जो मैं जा रहा हूँ जानी पे कुल, सैयदा जहरा का नौकर वो देखो सुए जन्नत जा रहा है। मेरे लिए मेरे आका ने बात की हुई है, तो जख्म में तो क्या मेरा साया न जाएगा। मेरे लिए मेरे आका ने बात क्या है मेरा।
पशुआ के चले मेरे लिए मेरे आका ने बात की हुई है। एक ऐसा अरफाना कलाम कि जो मेरे उस्ताद गिरामी हजरत सैयद मजलूर कौरैन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह आपका पढ़ा हुआ और उनका पढ़ा हुआ कलाम फिर जमाने में क्यों ना अमर हो, एक बलिए कामिल का पढ़ा हुआ कलाम क्यों ना अमर हो। इस कलाम को मैंने और खालिद भाई ने ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में हम जहां गए हमने बहुत पढ़ा और अपने तो अपने गैर मजाहब के लोग भी इसे बड़ी मोहब्बत से सुनते क्योंकि बुजुर्गों के कलाम में होती तासीर वो सिर्फ एक मजहब और एक उसके लिए नहीं होता वो सबके लिए होता है समाज के लिए। आ जा सामने आ
حضرت مولا کائنات سلامت رکھے بڑے لمبے عرصے کے بعد زیارت کی تو میں ایک شعر آپ کی نظر کرنے جا رہا ہوں لیکن یہ صرف شعر نہیں حقیقت پہ مبنی شعر ہے یہ حذیفہ ہے اور اس سے چھوٹا حسان جب ابھی تو ماشاءاللہ اتنا بولتا ہے کہ چپ ہی نہیں کرتا تو جب وہ سال سوا سال کا تھا تو ابھی اس نے کچھ بولنا نہیں تھا شروع کیا ابھی اس نے کچھ بولنا نہیں تھا شروع کیا ہم نے بڑا کچھ کہلوانے کی کوشش کی بیٹا ایسے کہوں ایسے کہوں لیکن وہ کچھ نہ بولا لیکن رب کی توفیق سے جب وہ بولا تو کیا بولا علی مولا علی مولا ٹھیک ہے شیر سنیے خالد صاحب ہاں کیا بتاؤں آپ کو کتنا بڑا دل ہو گیا ہو گیا میرا بیٹا یا
कहने के काबिल हो गया। हमें तो कैफ ही आया अली अली करके, वो अपने शजरे में देखे बड़ी खराबी है, मानो जेड़ा हौलाए हौलाए ओ की जाने की मौलाए जेड़ा अन्ना ते बौलाए ओ की जाने की मौलाए अली दे प्यार दी हसनी ये गल न सुनाते हुदिए गिरते हैं बताओ है अली वालों बताओ है अली वालों मेरी तलवार कैसी है आपकी बारगाह में दो तीन अशआर जिसकी जो दिली मुराद है बस वो दिल में हाजिर कर ले और इस जिक्र मोहब्बत से आंखों को झुका के सुने। अल्लाह करीम इस जिक्र पाक के सबके सबकी दिली हाजात दिली मुरादें पूरी फरमाए। सैयदजादे बैठे हैं बिलखसूस सादात-ए-किराम की नज़्म में शेर
कि जिन पे सदका हराम गया, हम पे सदका हम हराम गया, जिन पे सदका हराम गया, वो भी जहरा का सदका सदका हराम गए, हम भी जगरा का सदका खाते हैं। ना भी चलाए तो चटकी चलती है, हसन का झूलता झूला दिखाई देता है, नाम जहरा पे नजरें झुकाए रखता हूँ, नाम जहरा पे नजरें झुकाए रखता हूँ, बस इसलिए मुझे ज्यादा दिखाई दे औलिया के हुए सरबरा।